हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं बेसन मसाला खाखरा। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और आप इसे बना के बहुत दिन तक एंजॉय भी कर सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम एक डो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ बोल मैदा लिया है। उसमें मैं मिलाऊंगी हाफ बोल गेहूं का आटा। आप चाहें तो इक्वली दोनों चीज़ ले सकते हैं, नहीं तो खाली मैदे या खाली आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। थोड़ा क्रश करके डालें अजवाइन को, तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है। एक चम्मच नमक और एक से दो चम्मच हम इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होगा, हमारे कांकरा बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेते हैं, जिस तरह हम चपाती का डो लगाते हैं बस उसी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार कर लेते हैं। ये खाखरा फ्रेंड्स आप कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप एक बार इसे बना लेंगे तो ये 15-20 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। कहीं आप सफ़र पे जा रहे हैं तो अपने साथ बना के ले जा सकते हैं। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में उतने ही ईजी। ये देखिए, डो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। हम 10-15 मिनट डो को रेस्ट होने देते हैं, तब तक हम खाखरे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ बोल बेसन लिया है। इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग मिलाएंगे। बेसन की हम कोई भी आइटम बनाए ना फ्रेंड्स, उसमें हींग जरूर डालना चाहिए। और नमक एक चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हमें उतना डालना है जिसमें कि ये पूरे मसाले अच्छे से घुल जाए। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, ये मसाले को हमें तेल से ही रेडी करना है। पानी डालने से क्या, कोई भी चीज़ की सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। ये देखिए, मसाला एकदम अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम खाखरा बनाना स्टार्ट करते हैं। डो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयां नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि खाखरा हमें एकदम पतला बनाना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे, फिर हम इसमें फिलिंग भरेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच या 1 चम्मच, जैसे ही उसमें सूटेबल हो उस तरफ से फिलिंग भर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो बेलने के समय फिर ये फट सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करके बंद कर देंगे और ऊपर से दबा देंगे, ताकि फिलिंग अच्छे से अंदर रहे। अब हम इसे एकदम पतला बेल लेते हैं। किनारे से बेलेंगे फ्रेंड्स, ताकि किनारा मोटा नहीं रहे और सेकते समय ये एकदम क्रिस्पी बने। कितना पतला मैंने खाखरा बेल लिया है। बस इसी तरह से हम सारे खाखरे बेल के तैयार कर लेते हैं। मैंने सब खाखरे बेल लिए हैं। इतने डो में हमारे कम से कम 8 से 10 खाखरे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सेक लेते हैं। मैंने तवे को पहले से गर्म कर लिया था और गैस की फ्लेम हम लो से मीडियम के बीच में रखेंगे, क्योंकि खाखरा को हमें एकदम कम आँच में सेकना होता है। इस तरह से आप कपड़े से दबा दबा के इसे सेकते रहें। इसमें और कोई एक्स्ट्रा तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। एक खाखरा सेकने में अराउंड 2 मिनट्स लग गए हैं। ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह से हम सारे खाखरे सेक लेते हैं। बहुत जगह इसे बेसन की पूड़ी भी बोलते हैं, राजस्थान में तो, और गुजरात में मसाला खाखरा बोलते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका सब सेम ही है। और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसे चाय के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, कितने क्रिस्पी बने हैं और मसाला अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब